नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। तरंग न्यूज़ की बड़ी पहल से बड़े बड़े परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जहां छात्रों की आवश्यकता छात्रों को पढ़ाने की थी, तो इस टाइम पर देखा जा रहा है कि हर विद्यालय में टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर टाइम से पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यालय अभी भी हैं जहाँ पर टीचर नहीं जा रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और देखा ये जा रहा है कि अभी तक कलेक्टर महोदय, जो जिला के कलेक्टर मुजीबुर रहमान हैं, अभी तक वो विद्यालय में पहुंचे भी नहीं। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डीओ के द्वारा तो कार्यवाही की जा रही, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां भी डीओ का भी कोई डर नहीं है, बल्कि डीओ और विद्यालय के जो प्राचार्य हैं आपस में एक साथ व्यवहार बना के और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। लगातार ये मामला देखने को मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों को से ये एक विनम्र निवेदन है सभी अधिकारियों से कि जब तक ऐसे व्यवस्था अगर चलता रहा तो विद्यालय की पढ़ाई नहीं होने वाली। इसलिए सुधार की बेहद आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को फोकस करने की आवश्यकता है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं वो शिक्षित हों। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विद्यालय की कई सारी कमियाँ सामने आई, जैसे विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होना या फिर बच्चों को खाना या मध्यान्ह भोजन सही तरीके से नहीं मिलना, और कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि 8-8 महीनों से उनको राशन भोजन नहीं मिल पा रहा। अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय जहां पर हैंडपंप की व्यवस्था तक नहीं है, जहां हैंडपंप की अगर व्यवस्था नहीं है तो लोग वहां से निकल करके काफ़ी दूर जा रहे हैं और पानी की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कहीं और जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। जहां ये प्राचार्य की व्यवस्था करवाना, ये एक कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता है कि प्राचार्य व्यवस्था करें, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज एक बड़ी खबर जो आप लोगों को देने वाला हूं कि तरंग न्यूज की खबरों का एक बड़ा असर देखने को मिला। हाल ही में मेरे द्वारा कई विद्यालयों को बिल्डिंग जो है काफी जर्जर है, मैंने ये सारी चीजें दिखाई और इसको लेकर के एसडीओ, जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एसपी तिवारी सीधी के एसडीओ जिला शिक्षा केंद्र जो है अपना सीधी, तो वहाँ मेरी बात हुई और उनसे जब बात हुई इन सारी चीज़ों को लेकर के, तब पता ये चला कि जल्द से जल्द मीडियाकर्मी की जब द्वारा बात होती है तो ये हुआ कि बिल्डिंग जो जर्जर है उसको बहुत जल्द ही बनवाया जाएगा। जहाँ उनके द्वारा नोटिस एक आवेदन भी भेजा गया था, जहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचा और वहाँ से अब ये हुआ कि अधिकारियों ने सुध ले ली है कि कहाँ कहाँ की विद्यालय जर्जर है और किनके छत जो है बच्चों के ऊपर गिरने वाले हैं, किन विद्यालयों के, ये अधिकारियों के द्वारा सुध ले ली गई। और अब तक के लगभग 300 विद्यालय, सीधी जिले के 300 स्कूल, 300 विद्यालयों की जो छत हो या कोई बाउंड्री हो या जो भी मरम्मत की चीजें बाकी रह गई थी, अब वो सभी विद्यालय निर्माणाधीन जो बाकी रही अब पूरी तरीके से अधीन ना बल्कि पूरी तरीके से निर्माण कंप्लीट उनका हो जाएगा। और जैसे निर्माण हो जाएगा तो सभी छात्रों को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। हालांकि क्या पूरी बात है, क्या पूरी खबर है, आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। जहां बता दूं कि जिले के बदहाल स्कूल भवनों के मरम्मतीकरण की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में माध्यमिक शाला के जर्जर भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। इसमें प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों का चयन किया जा रहा है, यानी कि अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों के भवन मरम्मतीकरण का कार्य पहले किया जाएगा, इसके बाद कम छात्र संख्या वाले स्कूल भवनों का मरम्मतीकरण का कार्य होगा। पहले चरण में जिले की 303 स्कूलों को शामिल किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू की गई इस कवायद के तहत चिन्हित स्कूलों के भवनों का फोटोग्राफ्स के साथ भवनों की स्थिति एवं स्टेटमेंट तैयार कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यवाही पूर्ण होने के बाद मरम्मतीकरण के कार्य का एएस एवं टीएस किया जाएगा, यानी कि सारी कवायद पूर्ण होने के अभी 6 माह का समय लग सकता है। बहरहाल विभागीय अधिकारियों की माने तो जल्द से जल्द यह कार्यवाही पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आप लोगों को बता दूं कि जिले के ज्यादातर शासकीय प्राथमिक एवं विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय शालाओं के भवनों की स्थिति जर्जर है। बारिश के मौसम में भवनों की छत टपकने से जो है छात्रों को बैठने तक की जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से छात्र ना ठीक तरीके से बैठ पाते हैं ना ही टीचर उनको ठीक तरीके से पढ़ा पाते हैं। जिसको लेकर के मैंने खुद देखा कि छात्र कैसे और जिस तरीके से स्कूल के जो शिक्षक हैं बैठे रहते एक ही समूह में, समूह से हटते ही नहीं क्योंकि उनके पास बिल्डिंग ही नहीं है।
कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि कई जगह जो विद्यालय है उस विद्यालय में एक कक्ष ही बचा हुआ है जो कि सही तरीके से है, बाकी के पूरे कक्ष में अगर पानी टपक रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे जो विद्यालय के जो बच्चे हैं एक ही कक्ष में बैठा दी जाते हैं, जहां एक से लेकर के अगर मिडिल की बात करें तो छठवीं से लेकर के आठवीं तक के बच्चे एक ही कक्ष में बैठाए जाते हैं। वहीं प्राथमिक पाठशाला की अगर बात करूं तो एक से लेकर के पांचवीं तक के एक ही कक्ष में उनको भी बैठाया जाता है। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिहावल के विक के सर्वाधिक स्कूल जो शामिल हैं और कहां कहां की जो इसमें जो है तो विद्यालय आएंगी, किस क्षेत्र की कितनी बिल्डिंग आएंगी, वो आप लोगों को मैं अपडेट करवाऊंगा। जहां बता दूं कि इस टाइम पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जर्जर स्कूल की भवनों में जो मरम्मतीकरण का जो कार्य किया जा रहा है, जो सूची तैयार की गई है, इसमें जिले के कुल 303 विद्यालयों में से जो शामिल किए गए हैं उनमें से जिले सीधी जिले के जो जनपद शिक्षा केंद्र जो है उनमें से 62 विद्यालयों का नाम आया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि मझौली का 47, कुसमी के 50 और रामपुर नायकिन की 66 विद्यालय और सिहावल क्षेत्र की 78 शालाएं जो हैं, 78 शालाएं, इन सभी विद्यालयों का जो अधूरा निर्माण है या पानी टपक रहा, छत टपक रही, जो बड़ी समस्याएं थी वो सारी समस्याओं को हल किया जाएगा। जहां लगातार तरंग न्यूज पर जो जनता विश्वास दिखा रही है, वहीं तरंग न्यूज के खबरों का लगातार असर भी देखने को मिल पा रहा है कि आप अगर तरंग न्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आप अपने इस सच्ची पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी अगर मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस एक मदद से आपके एक बड़ी मदद देखने को मिल पा रही है कि इस टाइम पर जो बड़ी बड़ी मीडिया नहीं कर पा रही, वो छोटे मीडिया किस तरीके से कर रहे हैं आपको स्पष्ट देखने को मिल पा रहा। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ये 300 विद्यालयों की जो मरम्मतीकरण के लिए जो पैसा आ रहा है, इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्राचार्य अगर जब तक सही तरीके से निर्माण कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस कोई भी कक्ष को आप ना लें, नहीं तो आने वाले एक टाइम पर फिर से छत टपकेगी और आपके पास जब हम आएंगे तो फिर आप यही बताएंगे कि विद्यालय टपक रही है। यहाँ की छत जो है पूरी तरीके से फूटी हुई है, देखने को मिल रहा है कि छत कहीं ना कहीं सीकेज भी होता रहा होगा। बारिश में कैसे चल रही थी ये आपके विद्यालय? नहीं तो अभी तक तो नहीं टपक रहा है सर। नहीं, छत नहीं टपक रहा है। जी नहीं, कक्षा एक दो का टूटा है उसकी बात। हाँ, कक्षा एक दो का टूटा है, उसकी ज्यादा जर्जर है। तो अगर छत कहीं ना कहीं क्रेक हो रही तो इतना बड़ा रिस्क आप लोग लेकर कैसे छात्रों को पढ़ा रहे हैं? इसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी भी छत अगर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपका ये बिल्डिंग गिर जाए, जिस दौरान पूरे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तो इतना बड़ा रिस्क लेकर कैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं? क्यों किसी और को सूचित नहीं किया जा रहा है? ऐसा कुछ सर करेंगे हम सूचित? नहीं, मार्ग पत्र दिया है, एक बार दिए थे, मार्ग पत्र दिया गया था मरम्मत के लिए। कहाँ दिया था? बीआरसी कार्यालय में दिए थे सर, प्रभार में। तो आपका कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है कि पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा और सभी की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप जो कुछ भी चाहेंगी होगा वही, यहाँ सब कुछ कंट्रोल आपके हाथों में हो। तो पूरी तरीके से जो यहाँ का फर्श जो है फूटा हुआ है, छात्र उस पर खेल रहे हैं, बैठने की सुविधा भी ढंग से नहीं है, इस पर आपने कोई आवाज उठाया और कहीं कलेक्टर से आपने या फिर शिक्षा विभाग में कहीं आपने बात किया? शिक्षा विभाग में सर एक बार लिखित में दिए थे, कलेक्टर के पास में। संकुल कौन सा है आपका? उपनिषद। उनसे आपको कोई बातचीत इस मैटर पे? एक बार लिखित में दिए थे सर। बाकी कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा सर? नहीं, मरम्मत के लिए एक बार मरम्मत स्कीम करवाए हैं सर, लिख के दिए थे, तो मरम्मत राशि जारी हुई थी तो मरम्मत करवाए हैं, तो ये हमारा भवन नहीं टपक रहा है। प्राथमिक का एक उधर टपक रहा है, उसके लिए प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार की जब नींव होती है तो बहुत जल्द गिर जाती है, लेकिन अगर सच्चाई की कोई नींव हो तो वो बुलंद होती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपके विद्यालय में निर्माण अगर हो रहा है तो उस पर फोकस ये करिएगा कि उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त ना हो, बल्कि अगर कुछ संलिप्त हो तो गिट्टी, पत्थर, कंक्रीट और सीमेंट और रेता वो संलिप्त हो, तो आपका जो ये विद्यालय है वो एक मजबूत बनेगी और आपके उस मजबूती दीवार की वजह से बच्चे सुरक्षित होंगे और बच्चों की नींव मजबूत होगी और वो पढ़ेंगे तो देश मजबूत होगा। ऐसी खास खबरों के साथ आप बने रहें और बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो ये सहयोग मिल रहा है तरंग न्यूज को, उसके लिए बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।